फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब फंडा क्लब में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट किस में आई है और इसमें कितनी पोस्ट है, एज लिमिट क्या होने वाली है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई फ़ी भी नहीं है, एग्ज़ाम भी नहीं होगा दोस्तों, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, फ्री अकोमोडेशन की बात है और सैलरी भी आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर गवर्नमेंट स्कीम से लेकर टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब से लेकर PhD के नोटिफिकेशन, UGC के नोटिफिकेशन, सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मेरे इस चैनल पर मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ लीजिएगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर दीजिएगा और साथ ही उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये PDF आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। इसमें देखिए, हम जान लेते हैं कि पहले पोस्ट कौन कौन सी है और किस में कितनी पोस्ट है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें फ़ीस होने वाली है या नहीं। ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों, आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देख लिया है कि इसमें कोई फ़ीस नहीं है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। पहली जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट दोस्तों। तो इसमें देखिए, एक में 24 पोस्ट है और एक में 26 पोस्ट है। ये दो पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी वो 20,000 मिलेगी स्टिपेंड के रूप में, यानी कि आपका अलाउंस वगैरह जोड़कर, जो मैंने आप लोगों को अपने थंबनेल में दिखाया था कि 31,000 तक हो जाता है दोस्तों। एंड देन दोस्तों, इसमें देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो बैचलर ऑफ़ साइंस विथ और ऑनर्स इन केमिस्ट्री, या तो बैचलर ऑफ़ साइंस में या तो ऑनर्स इन केमिस्ट्री में होना चाहिए। और दूसरी जो पोस्ट है उसमें क्या है, बैचलर ऑफ़ साइंस में या तो फिर ऑनर्स इन जियोलॉजी में दोस्तों। ये हो गया पहले प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बात हमने कर ली। और जो दूसरी पोस्ट है दोस्तों, इसमें है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, यानी कि परियोजना जो सहयोगी होते हैं इसमें हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट कितनी है, 12, 10 और 4। तो इसमें हमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? तो इसमें हमारा जो है क्वालिफिकेशन जो है 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, यानी कि इसमें हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की गई है ये वाली पोस्ट में दोस्तों। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी में होना चाहिए और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर जैसे आपने अभी अप्लाई किया है, आपका कुछ समय बाकी है एग्ज़ाम के लिए, तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें BE/BTECH होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और MCA में दोस्तों। तो ये हमें पता चल गया क्या है। और दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों को जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये पहले देख लेते हैं कि ये वैकेंसी आई कहाँ पर है। तो ये वैकेंसी आई है रांची में दोस्तों, CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये रांची में वैकेंसी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं बता दूँ दोस्तों, इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी 2021 है, यानी कि आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिएगा, हर बार की तरह इस बार भी मैंने इस नोटिफिकेशन, मतलब इस PDF का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से इसको पढ़िएगा समझिएगा। और दोस्तों, ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है और जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ख्याल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसमें जो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं करोगे, इसमें हार्ड कॉपी देनी है दोस्तों, ये भी बात को याद रखिएगा। इसमें आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या आप लोगों को एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं मेंशन, जो कि आप नोटिफिकेशन के द्वारा PDF को जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। और दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऐसा रहेगा आपका ये फॉर्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आएगी, देन उसके बाद देखिए सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो भी आपको भरना है ये सारी, और जो जो चीज़ें अटैच करनी है, कैंडिडेट सिग्नेचर। तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भी इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा दोस्तों। तो एप्लीकेशन फॉर्म की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ इसमें और याद रखिए कि ये हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है, जो कि 15 जनवरी से पहले आप लोगों को सबमिट कर देनी है। और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 15 जनवरी है दोस्तों। और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग याद रखिएगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है इसे बहुत ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बाद में पता चला आपने सबमिट किया और चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाएंगे। इसमें डायरेक्ट आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है, जो लोग एग्ज़ाम वगैरह से डरते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है।
और उसके बाद दोस्तों पोस्ट आप लोगों को पता चली गई है। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को साइट पे ले जाकर दिखा देती हूँ कि जब आप लोग ओपन करेंगे, मतलब मेरे किसमें दिया हुआ है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसके थ्रू जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कैसा सामने खुलेगा और उसमें से कौन से एडवर्टीजमेंट पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग मेरे नोटिफिकेशन जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ये पूरी इनकी वेबसाइट आ जाएगी, ऑफिशियल साइट। इस पर जब आप लोग जाएंगे तो इसके ऊपर जाने के बाद ये जो तीसरा नोटिफिकेशन दिख रहा है दोस्तों, अगर आपने एडवर्टीजमेंट नंबर भी देखा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आएगा इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, तो ये तीसरे जो एडवर्टीजमेंट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो भी अपडेट्स है वो आपको इसी साइट पे मिलती रहेगी, यहीं पर आपको चेक करती रहनी है। और हाँ, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी दोस्तों। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और आपकी इच्छा है इसमें काम करने की तो आप लोग अप्लाई करिए। और दोस्तों ऑल द बेस्ट, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।